प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की छवि राजनेता की नहीं है, वो एक टेक्नोक्रेट की छवि, एक इकोनॉमिस्ट की उनकी छवि। लोकतंत्र में जिद से लोकतंत्र नहीं चलता, अहंकार से लोकतंत्र नहीं चलता, सद्भावना से लोकतंत्र चलता है, हट से लोकतंत्र नहीं चलता। आज प्रधानमंत्री जी हट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। एफडीआई इन रिटेल के लिए हम लोगों ने कहा कि देश इस स्थिति में नहीं है कि आज किराना बाजार में एफडीआई को हम अलाउ करें। जब उनके मंत्रालय ने ये नोट सर्कुलेट किया तब खुद भारत सरकार के कई मंत्रालयों ने, कंज्यूमर अफेयर और कई मंत्रालयों ने उसके प्रस्ताव का विरोध किया। एफडीआई इन रिटेल पर प्रधानमंत्री जिद पर अड़े हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री इसलिए हैं कि उनके पास बहुमत है और हमारे पास बहुमत नहीं है और हम विपक्ष में बैठे। बहुमत से देश चलता है। एफडीआई इन रिटेल पर मनमोहन सिंह की सरकार अल्पमत में है। प्रधानमंत्री को एफडीआई पर बहुमत नहीं है, इसलिए उनके एलाइज उनके साथ नहीं है, जो गिनती में सीधा सीधा तृणमूल कांग्रेस और डीएमके वेल में आकर विरोध कर रहे हैं। यानी जिस पार्टी के मंत्री भी सरकार में है वो पार्लियामेंट के वेल के अंदर आ रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट से मांग कर रही। उनके कई सांसद उनके पक्ष में नहीं, विपक्ष उनके इस प्रस्ताव के साथ नहीं। और मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब सर्वदलीय बैठक हुई तो आपके पास वक्त की कमी थी, बहुत व्यस्त आदमी है, आपने जहमत नहीं उठाई कि सर्वदलीय बैठक में भी जाकर बैठ जाएं। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा कि हम विपक्ष के नेताओं की और सत्ताधारी नेताओं की बात सुनते हैं और आपको हम इस पर हम रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी तक कल शाम तक 60 घंटे हो गए थे, अभी कम 75 घंटे हो गए, अभी तक विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी साख गिर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी मनमोहन सिंह जी से पूछना चाहती है कि आपने अपनी साख कहां बनाई है? अमेरिकन और यूरोपियन के बीच में जो आपने साख बनाई है वो भारत के व्यापारियों को का गला रेत कर उस साख को बनाने की जरूरत नहीं। आपकी साख अमेरिकन और यूरोपियन की नजर में गिर जाएगी, लेकिन आपको मानना चाहिए कि अगर आप एफडीआई रिटेल सेक्टर में लाए तो देश में आपकी साख नहीं, पूरी आपकी पार्टी की साख गिर जाएगी। इसका भी आपको एहसास होना चाहिए, इस सरकार की साख गिर जाएगी। हम प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि वो जिद छोड़ दें। अमेरिकन और यूरोपियन मुल्क अभी मंदी में है, उनको मंदी से उबारने के लिए
उनके देश के लोग चिंता करेंगे, मनमोहन सिंह जी को अमेरिका और यूरोप की मंदी के लिए दुबले होने की जरूरत नहीं है, वो देश के लोगों की चिंता करें, भारत को कंज्यूमर का देश मानकर जो विदेशी कंपनियां भारत में आना चाहती, इस देश के अंदर लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग जब रोजगार नहीं होता है तो छोटे छोटे काम करके रेड़ी पटरी पर सब्जी बेचकर छोटे छोटी दुकान लगाकर लोग अपनी जिंदगी बसर करते हैं। इस देश के अंदर 20 करोड़ लोग, 4 करोड़ से ज्यादा किराना दुकानदार और इस काम में लगे लोग और उनका परिवार इस पर डिपेंड है, लेकिन हमें ये लगता है कि संसद नहीं चल रही है, इसकी जिम्मेदारी हरदम विपक्ष पर दी जाती थी। संसद के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि रूलिंग पार्टी के लोग संसद चलने देना नहीं चाहते, क्योंकि दाल में कुछ काला है, उनको लगता है कि अगर संसद चलेगी, संसद पर तो हमारी सहमति बन गई थी, प्राइस राइज पर 193 के तहत चर्चा शुरू भी हो गई थी, गुरदास दास गुप्ता बोलने खड़े भी हो गए थे, लेकिन कांग्रेस के आंध्र प्रदेश के सदस्य जय तेलंगाना का नारा लेकर वेल में आए थे। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि तेलंगाना राज्य का निर्माण हो, लेकिन कांग्रेस अपने संसद सदस्यों पर कंट्रोल नहीं कर सकी, क्योंकि ब्लैक मनी पर चर्चा होना था, काले धन पे चर्चा से घबरा रही थी कांग्रेस। उन्होंने देश के दबाव में ये बात स्वीकार तो कर ली कि काले धन पर चर्चा कराएंगे, प्राइस राइज पर चर्चा कराएंगे, लेकिन उनको लगता है कि अगर काले धन पर चर्चा होगी तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, इसलिए जानबूझकर मनमोहन सिंह जी ने, कांग्रेस ने ये एफडीआई का भूत लाकर पार्लियामेंट में खड़ा किया। ये कांग्रेस की संसद नहीं चलने देने की साजिश का नतीजा है कि एफडीआई रिटेल लेकर आए पार्लियामेंट के अंदर। जब संसद चल रही है, इतना बड़ा निर्णय, देश में संसद रुकी हुई है, संसद को विश्वास में लिए बिना आप कैबिनेट में डिसीजन लेते हैं और एफडीआई इन रिटेल लेकर आ जाते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम फिर कांग्रेस के नेताओं से अपील करते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी खामोश हैं, वो अपनी चुप्पी तोड़े। बुनियाद के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से भाषण दिलवा रहे हैं युवा कांग्रेस के, और संसद की बुनियाद को कांग्रेस कमजोर कर रही है, इसका एहसास उनको नहीं। युवा कांग्रेस की बुनियाद को राहुल गांधी मजबूत कर रहे हैं और संसद की बुनियाद हिल रही है, उसके लिए वो चिंतित नहीं। प्रधानमंत्री संसद में बयान नहीं देते, प्रधानमंत्री विपक्षी दलों के बैठक में नहीं आते, लेकिन युवा कांग्रेस के सम्मेलन में जाने का उनके पास समय है और वहां पर जाकर वो जो बातें उनको विपक्ष के लोगों से करनी चाहिए वो जाकर युवा कांग्रेस के बुनियाद कार्यक्रम में कर रहे हैं। हमने बुनियाद सीरियल तो सुना था, लेकिन ये राहुल गांधी जी का नया सीरियल शुरू हुआ है बुनियाद। आज जरूरत है कि लोकतंत्र की बुनियाद को बचाने की जरूरत, पूरे देश के अंदर लोगों के मन में है कि संसद चले, विपक्षी पार्टी के नाते, मुख्य विपक्षी दल के नाते हमारी पूरी कोशिश है कि संसद चले, लेकिन जो संसद की कस्टोडियन होती है रूलिंग पार्टी, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, नेता सदन और दोनों सदनों के नेता के तौर पर मनमोहन सिंह जी, यूपीए चेयरपर्सन,
और कांग्रेस के महासचिव ये संसद नहीं चल रही है इसके लिए चिंतित नहीं। ऐसे भी क्या कांग्रेस महासचिव को यह मालूम था कि संसद नहीं चलेगी? 5 दिन का उन्होंने यूपी का दौरा भी लगा लिया। हम लोग तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से क्षमा मांग के कि हमें संसद में रहना है, उन्होंने हमें इजाजत दी। लेकिन क्या कांग्रेस के लोग ये जानते थे? क्या ये कोई साजिश का नतीजा है कि जानबूझकर कांग्रेस के नेताओं का टूर प्रोग्राम लगा हुआ था, क्योंकि वो जानते थे हम ऐसा निर्णय करेंगे जो संसद नहीं चलेगी? भारतीय जनता पार्टी फिर मांग करती है FDI रिटेल वापस लो। अगर FDI इन रिटेल वापस नहीं लिया तो देश की जनता का विश्वास इस सरकार से वापस हो जाएगा, इसका एहसास कांग्रेस के लोगों को होना चाहिए। छोटे छोटे बड़े किसान होगा, कुछ बड़े राज्य में होंगे 20 एकड़ के, यहाँ किसान 2 एकड़ 4 एकड़ का किसान, और वो ये ख्वाब दिखाया जा रहा है कि वो वॉलमार्ट जाकर किसानों से खेत में सब्जी खरीद लेगा। वॉलमार्ट जो है वो न्यूजीलैंड से जाकर जो मटर का पहाड़ खड़ा हुआ है, जो ओवर प्रोडक्शन है, उन देशों से भी सामान खरीदेगा। जहां तक भारतीय किसान का है, भारतीय किसान को वो फायदा देने की स्थिति में आज वो नहीं है, न भारत की इकोनॉमी है। जो लोग ये तर्क दे रहे हैं वो ये जान जाएं कि कोल्ड चेन में 100% FDI है, लेकिन कोई भी विदेशी कंपनी आज तक आई नहीं। इसलिए किसानों को हसीन ख्वाब दिखाकर सिर्फ बड़े लोगों का लाभ करेंगे, और क्वालिटी के मामले में यहां मैकडोनल्ड तो आपका आलू खरीद नहीं सका, अभी तक महाराष्ट्र का आलू नहीं खरीद सका जाके। अभी 11 साल बाद वो जो फिंगर चिप्स हम आप खाते हैं वो जाकर अब गुजरात में कहा कि यहाँ का जो आलू है उसके अंदर बहुत नमी है, उसकी क्वालिटी वो नहीं है, वो छोटा होता है, तो वो पहले या तो फ्रोजन मंगाते थे या बाहर से आलू मंगाते थे। अब जाकर 11 साल बाद मैकडोनल्ड के आने के बाद वो गुजरात में कहीं पर उन्होंने आलू डेवलप किया। इसलिए भारतीय किसान को जो खाद्य पदार्थ डालते हैं, जो हम यूरिया डालते हैं, उसकी क्वालिटी कंट्रोल का सवाल है। तो ये जो विदेशी कंपनियां हैं वो क्वालिटी कंट्रोल के नाम पर ही भारत के किसानों को रिजेक्ट कर देंगी, और धीरे धीरे वो मार्केट पर कब्जा करेंगी, और किसान का सामान खेत में पैदा होगा और बर्बाद भी हो जाएगा।